नमस्कार दोस्तों, जीरो मेल किचन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आटे का पिज्जा, यो भी बिना ईस्ट या बिना ओवन का, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी तावे पे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारे वीडियो लेके आती रहूँगी नए नए। तो आइए इस पिज्ज़ा का रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं एक बॉल ली हूँ और उसमें डालूँगी मैं गेहूँ का आटा, अच्छे से इसको चाल ली हूँ। तो इस कटोरी से मैं एक कटोरी आटा डाली हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून चीनी। चीनी इसमें डालना बहुत ज़रूरी है और सबको हम मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। तो अब इसी कटोरी से मैं लूँगी हाफ कटोरी दही और दही के साथ मैं आटे को गूँथ लूँगी। यहाँ पे आटा गूँथ के हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ये देखिए, हम यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको 45 मिनट से 1 घंटे तक इसको रेस्ट पर रखिए, तभी हमारा पिज्ज़ा जो है एकदम सॉफ्ट एंड लचीला बनेगा। तो 1 घंटा हमारा हो गया और एकदम टेक्सचर देखिए, बिल्कुल एकदम खींचे तो खींच जा रहा है, इस तरह से होना चाहिए। अब इसको हम बेल लेंगे। अब इसको हम एक गोला बना दिए हैं। अब इसको हम बेलन के सहारे से इसको गोल एकदम बेल लेंगे, जिस तरह से हम रोटियां बनाते हैं ना उसी तरह से, लेकिन हमें रोटियों की तुलना में इसको थोड़ा थिक रखना है। ये हमारा गोला बन गया है, अब इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए, हम इतना मोटा रखे हैं। तो अब इसके अपने उंगलियों से किनारे किनारे जो है ऐसे गड्ढे बना देंगे और इसके बाद एक फॉर्क लेंगे और फॉर्क से हम इसमें छेद कर देंगे, ताकि हमारा ये जो रोटी है पिज्ज़ा के रूप में अगर बने तो फूले नहीं। तो अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो अब हम यहाँ पे गैस को ऑन कर लेंगे और रखेंगे एक तवा। आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल तवा भी यूज कर सकते हैं, मैं ये नॉनस्टिक तवा ली हूँ, और इसको थोड़ा सा हीट होने देंगे। जैसे ही हमारा तवा हीट हो जाएगा, हम जिस तरह से छेद करके रखे थे उसको नीचे वाले पार्ट्स में उल्टा करके रख देंगे और इसको थोड़ा सा सेकने देंगे। तो ये देखिए, हमारा जो एकदम अच्छे से एक तरफ से सिक गया है। अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और एक प्लेट में इसको निकाल लूँगी। बनके एकदम रेडी हो गया है, तो हम इसके उल्टे साइड से लगाऊंगी। सबसे पहले मैं लगाऊंगी केचप और 1/2 टीस्पून और लगा दूंगी, ताकि अच्छे से लग जाए। और इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच मेयोनीज। अगर आपको मेयोनीज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं अब यहाँ पे लगा दूंगी पनीर। पनीर को इस तरह से मैं अरेंज कर दूंगी अच्छे से। पनीर के डालने के बाद मैं यहाँ डाल दूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर आपके पास कलरफुल हो तो वो भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च 3 कलर का आता है, एक तो ग्रीन रहता है जो मैं अभी सजा रही हूँ, और एक येलो आता है, इसके बाद एक रेड आता है। इसके बाद मैं डाल लूँगी प्याज। इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। टमाटर को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर ली हूँ, आप चाहें तो इसका भी लंबा लंबा पार्ट्स कट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कॉर्न। कॉर्न डालने से पिज्ज़ा और टेस्ट बढ़ जाता है। और इसके बाद मैं डाल दूँगी ऊपर से लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसमें अब डाल दूंगी पनीर।
अब इसमें ऊपर से नमक नहीं डालना है क्योंकि हमारे आटे में भी नमक डाला था और केचप में भी ऑलरेडी नमक रहता है, पनीर में भी नमक है। अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको ले चलते हम तवे की ओर। अब आता है इसका सेकने का प्रोसेस। तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ पिज़्ज़ा सेकने की प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लूँगी और तवा रख दूँगी। तवा को गर्म नहीं करना है। इसके बाद हम पिज़्ज़ा को अपने इसमें डाल दूँगी और फ्लेम को यहाँ पे लो रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम। और इसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। अगर आप ये वाला कढ़ाई यूज कर रहे हैं तो इस छेद को बंद कर दीजिए ताकि हमारा पनीर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए एंड पिज़्ज़ा का नीचे वाला जो पार्ट्स है, जो आटा को हमने बनाया था, वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा को लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है एकदम अच्छे से पक जाए एंड पनीर सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए एंड मेल्ट भी हो जाए। तो चलिए, तो ये देखिए हमारा 10 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन को हटाएँगे। वाव, तो ये देखिए हमारा कितना मस्त एंड डिलीशियस दिख रहा है ना पिज़्ज़ा। नीचे वाला भी पलट के दिखा दे तो ये देखिए कितना हमारा परफेक्ट बना है एकदम। तो अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में गर्मा गर्म। तो ये देखिए आज का हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है, वो भी आटे का और बिल्कुल तवे पे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।